और ये ह्यूमन कैपिटल कैटेगरी क्या है, या अगर आप दो पार्टनर हैं तो हर एक पार्टनर की 3,500 कैनेडियन डॉलर। आपका एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका डॉक्टर इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेला बाबा। आज मैं आपको बताऊंगा ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के बारे में और इसमें कौन क्वालिफाई करते हैं उनकी डिटेल आपको मैं बताऊंगा, और इसमें करंटली कौन से प्रोग्राम एक्सेप्ट हो रहे हैं और कौन से प्रोग्राम इस वक्त क्लोज्ड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस प्रोग्राम के लिए कैसे आपने क्वालिफाई करना है ये मैं आपको बताऊंगा, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस और इसकी कास्ट ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और लास्ट में मैं आपको इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी बताऊंगा ताकि इनकेस अगर कोई आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट को भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं दूंगा, प्लस कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं आपको देता हूँ कि मैं कोई डेजिग्नेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ, सो जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी हो तो आपने IRCC की वेबसाइट को रेफर करना है या OINP की वेबसाइट, ये दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनसे आपने रब्ता करना है। अब ये जो ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम है, अगर आप फॉरेन वर्कर हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस ओनर हैं और आप कनाडा से बाहर रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहे हैं और एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं उनमें है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इन डिमांड स्किल्स स्ट्रीम, PhD ग्रेजुएट स्ट्रीम, फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज स्ट्रीम, स्किल्ड ट्रेड्स स्ट्रीम और एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, ये वो है जिनके अगेंस्ट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही है। और ये तीन जो प्रोग्राम है वो इस वक्त क्लोज्ड हैं, उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही, और वो कौन से हैं, एम्प्लॉयर जॉब ऑफर फॉरेन वर्कर स्ट्रीम, एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, तीसरे नंबर पे है मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम। अब इसमें क्वालिफाई करने के तीन बेसिकली तरीके हैं। सबसे पहले है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर, ये वो कैटेगरी है जिसमें आपके पास परमानेंट जॉब ऑफर मौजूद हो। दूसरे नंबर पे है ह्यूमन कैपिटल, और ये ह्यूमन कैपिटल कैटेगरी क्या है, इसमें आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज यानी IELTS लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का स्कोर होना चाहिए, और इसके साथ आपका जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल है वो अपडेट और करंट होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे है बिजनेस कैटेगरी, और इसमें उन लोगों की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं या तो वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई ऑलरेडी ऑनगोइंग रनिंग बिजनेस वो परचेज करना चाहेंगे। अब ओंटारियो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए ये जरूरी है कि आपके पास ओंटारियो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ये मौजूद हो, आपका जो एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल है वो अपडेटेड हो जिसमें आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और IELTS यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये उसमें मौजूद होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो मैंडेटरी चीजें हैं उनको आपने फुलफिल करना है, उनकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपने ओंटारियो गवर्नमेंट को अप्लाई करना है टू बी नॉमिनेटेड
इसके लिए आपने ई फाइलिंग जो ओंटारियो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसमें आपने फाइल करना है। और ये जो फाइल करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। जाहिर है कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 जो है वो है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर या ह्यूमन कैपिटल कैटेगरी। ये दोनों के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है वो है कैनेडियन डॉलर 1500 या इन सम केसेस वो 2000 कैनेडियन डॉलर हो सकता है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है बिजनेस कैटेगरी, और उसके लिए है कैनेडियन डॉलर 3500 पर बिजनेस पार्टनर। अगर आप अकेले हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो 3500 होगी, या अगर आप दो पार्टनर हैं तो हर एक पार्टनर की 3500 कैनेडियन डॉलर ये प्रोसेसिंग फीस होगी। और इसी तरह अगर कोई की स्टाफ है जिसकी बेसिस के ऊपर आपने बिजनेस को रन करना है, उसकी भी अगर एप्लीकेशन है तो उसके लिए भी सेम अमाउंट आपको जमा कराना पड़ेगी। प्रोसेसिंग टाइम की जब हम बात करते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये मुख्तलिफ स्ट्रीम्स आप देख रहे हैं और हर एक का प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है, और इसमें मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। ये आपके सामने डिटेल्स आ रही है, इसको आप चेक कर सकते हैं। पहले नंबर पे है ओंटारियो एक्सप्रेस एंट्री फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर, ये 30 से 60 दिन तक का इनका पीरियड है। ओंटारियो एक्सप्रेस एंट्री ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज, ये 60 से 90 डेज का टाइम है। इसमें मास्टर्स ग्रेजुएट के लिए 30 से 60 दिन का, पीएचडी ग्रेजुएट के लिए 30 से 60 दिन का, एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 60 टू 90 डेज का टाइम दिया गया है, और एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इन डिमांड स्किल्स इसके लिए भी 60 टू 90 डेज का प्रोसेसिंग टाइम वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और जहां तक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस कैटेगरी का ताल्लुक है, उस स्ट्रीम के लिए डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है। दोस्तों, ओंटारियो आईटी का हब ऑफ एक्टिविटी है और ये मजीद कंसंट्रेट हो रही है। आईटी की जितने भी फील्ड्स हैं वो ओंटारियो प्रोविंस में कंसंट्रेशन हो रही है। 2020 में जुलाई तक जो नॉमिनेशन ओंटारियो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं अंडर OINP, वो टोटल नॉमिनेशन है 3,932। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको ओंटारियो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट भी कर दिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, मगर आपकी फाइनल सिलेक्शन, फाइनल आपका जो डिसीजन है वो IRCC यानी फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आपने क्वेश्चंस कोई करने हैं तो आप ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं, और ये ईमेल एड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टेलीफोन नंबर भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और टाइमिंग जो है कि अगर आपने फोन करना है तो मंडे से फ्राइडे यानी 5 वर्किंग डेज जो हैं, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक आप फोन कर सकते हैं। कनाडा में ये जो प्रोविंशियल नामिनी प्रोग्राम है, ये रिलेटिवली इनके जो टर्म्स कंडीशन है बहुत इजी हैं। बस आपने कोशिश ये करनी है कि आपका एक्सप्रेस इंट्री का प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए। उसमें आपने ये देखना है कि जिस प्रोविंस में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी वेबसाइट पे जाके आपने नॉमिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको नॉमिनेशन हो जाती है तो
तो फिर आप फेडरल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने मीट करनी है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपका एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल अपडेट है, उसमें अगर आप बॉटम लाइन जो कंप्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर जो डिटरमिन होता है उसमें नहीं आते, तो जो भी आपने प्रोविंस सिलेक्ट किया हुआ है वो आपको EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको भेज दे। तो जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजेंगे, आपके डॉक्यूमेंट अगर एक्सेप्टेबल होंगे तो ये आपको नॉमिनेट कर देंगे। तो दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको कंसीडर करें सब्सक्राइब करने का, और इसको लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है कोई इसकी इंतजार में हो। रखें ख्याल, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।